अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अच्छी नींद के हवाले से कि किस तरह से अच्छी नींद हासिल की जा सकती है। रात को नींद में हमें सुकून मैसर आए और बेसकूनी की नींद से किस तरह से निजात हासिल की सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बेसकून नींद की कई वजूहत हो सकती हैं। इसमें माशी मसाइल, माशरती मसाइल, आपसी मसाइल, घरेलू मसाइल, कारोबारी मसाइल, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। जैसे कि आजकल हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं तो जो गरीब लोग हैं वो बेरोज़गारी की वजह से और अमीर लोग कारोबार और दूसरी वजूहत की वजह से मसाइल का शिकार हैं। तो इन सब मसाइल की वजह से हम अच्छी नींद से महरूम हो जाते हैं। जब हमारे जहन में कोई बात मुसलसल गर्दिश करती रहती है या कोई बात हमें तंग करती है तो उसका असर ये होता है कि रात को हम सुकून से नींद अच्छी नींद हासिल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमारी नींद में खलल डालती हैं। तो ये मसाइल तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन पर अमल करके आप अपने इस मसले से निजात हासिल कर सकेंगे, यानी आपको सुकून नींद हासिल कर सकेंगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आपको हर पॉइंट अच्छी तरह से वाजे हो जाए और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। वीडियो में पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना ज़रूरी समझती हूँ, वो ये है कि हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे नींद लेना ज़रूरी है, लेकिन उसमें हमने दो चीज़ों को देखना है, एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। तो हमने क्वालिटी को देखना है कि हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। यानी इसका मतलब ये है कि हम जितनी देर सो रहे हैं वो हम पुरसकून नींद सोएं और अच्छी नींद सोएं, ताकि जब हम अपनी नींद मुकम्मल करके जागे तो हम बिल्कुल फ्रेश हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी देर सोते हैं, मतलब 10 से 12 घंटे भी सो लेते हैं, लेकिन जब वो जागते हैं तो वो सारा दिन सुस्त रहते हैं, ज़्यादा फ्रेश नहीं होते। तो हमने इस बात को ज़्यादा अहमियत देनी है कि हम जितने भी घंटे सोएं तो हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब हम पुरसकून नींद सोएंगे तो जब हम जागेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे और अपने रूटीन का काम कर सकेंगे। तो आज आपको जो मैं नींद के बारे में, पुरसकून नींद हासिल करने के बारे में जो पॉइंट बताने जा रही हूँ, उस पर अमल करें ताकि आप जब सोकर उठें तो अपने दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार तरीके से करें। सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अपनी रूटीन को सेट करें। आप अपना काम जो है वो टाइम टू टाइम करें, यानी कि अपने आप को पंचुअल बनाएं। जो भी काम करना है आप वक्त पर करें। इसी तरह से अपने सोने का एक टाइम मुकर्रर कर लें कि आपने रात को अगर 10 बजे सोना है तो रोज़ का अपना 10 बजे का सोने का मामूल बना लें। जब आप अपने वक्त पर सोएंगे तो इससे ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा कि हर रोज़ आपको कुछ दिन इस तरह से रूटीन बनाने के बाद हर रोज़ आपको 10 बजे ही नींद आना शुरू हो जाएगी, और इस तरह से आप अपने टाइम पर रोज़ाना बिस्तर पर पहुंचेंगे तो आपको जल्द नींद आएगी। अगर हम अपने आप को रोज़ाना 10 बजे सोने का आदि बनाएंगे तो 5-6 दिन इसी तरह से अगर आप अपनी रूटीन सेट रखें तो उससे ये होगा कि जब आप ठीक 10 बजे बिस्तर पर पहुंचेंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे दिमाग में एक ऐसी घड़ी फिक्स की हुई है जिस पर हम अपना जो भी रूटीन सेट करेंगे वो हमारा माइंड उसी तरह से सेट हो जाएगा। यानी अगर हम अपने आप को रोज़ 10 बजे सोने का आदि बनाएंगे तो कुछ दिन इसी रूटीन पर अमल करते हुए जब हम रोज़ 10 बजे बिस्तर पर पहुंचेंगे तो ये होगा कि हमें सुकून से नींद आना शुरू हो जाएगी, तो आप पुरसकून नींद हासिल कर सकेंगे। दूसरी अहम बात जो कि हमारे नींद में खलल डाल सकती है वो है कमरे का टेम्परेचर। पुरसकून नींद के लिए गर्मियों में ख़ास तौर पर ठंडा रूम का टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हमारे कमरे का टेम्परेचर ठंडा होगा तो उससे ये होगा कि हमें सुकून से नींद आएगी। अगर गर्मियों में टेम्परेचर हमारे आसपास का या कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम सुकून से सो नहीं सकेंगे। तो इस तरह से कोशिश करनी है कि अपने रूम का टेम्परेचर मौसम के हिसाब से सेट होना चाहिए। तीसरा अहम पॉइंट जो कि हमारी नींद में खलल डाल सकता है वो है रोशनी। तो जब हम सोते हैं तो कोशिश करनी है कि हमारे आसपास का माहौल या हमारे कमरे में जो है वो अंधेरा हो, ताकि हम पुरसकून नींद हासिल कर सकें।
जब उम्र छोटी होती है तो उस वक्त ये होता है कि चाहे जिस तरह का भी माहौल हो, कमरे में रोशनी हो या हमारे आसपास रोशनी हो, तो फिर भी इंसान नींद, अच्छी नींद हासिल कर लेता है। लेकिन जिस तरह से वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ती है तो इंसान में बर्दाश्त जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो रोशनी हो तो मतलब वो प्रॉपर अपनी नींद हासिल नहीं कर सकता, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, वो कमरे में कंप्यूटर चल रहा है या कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी रोशनी भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इसी तरह से आप अपने माहौल को पुरसकून बनाने के लिए रोशनी का ख़ास तौर पर ख्याल करना चाहिए। चौथा अहम पॉइंट या अहम बात वो है शोर। जब हम सोने लगते हैं तो हमारा आसपास का माहौल पुरसकून होना चाहिए। जिस कमरे में या जिस जगह पर हम सो रहे हैं वहाँ पर खामोशी होनी चाहिए। अगर हमारे आसपास के माहौल में शोर होगा तो जाहिर है वो हमारी नींद में खलल डालेगा। इसी तरह से मोबाइल है तो उसे भी सोने से पहले साइलेंट पे लगा दें ताकि आपकी नींद में कोई खलल पैदा ना हो। ख़ास तौर पर रात के वक्त जब बच्चे टीवी पर या एलसीडी पर या मोबाइल पर गेम्स खेल रहे होते हैं, देख रहे हैं कोई प्रोग्राम वगैरह, तो बच्चों को भी इस बात पर आमादा किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि रात को सोते वक्त बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए और वो भी बर वक्त टाइम पर सोए। इसी तरह से घर में रात के वक्त बच्चे अक्सर मोबाइल फ़ोन पर या एलसीडी पर या स्मार्टफोन पर गेम्स खेल रहे होते हैं या कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो बच्चों को भी इस बात पर आमादा किया जाए कि वक्त पर और जल्दी सोए और शोर ना हो, खामोशी हो। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उम्र जैसे जैसे गुजरती है, तो फिर जब तक बिल्कुल खामोशी ना हो उस वक्त तक पुरसकून नींद हासिल नहीं की जा सकती। तो अगर इन पॉइंट पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह पुरसकून नींद हासिल कर सकेंगे। पांचवी अहम बात जो ज़रूरी है वो ये है कि आप रात को सोने से पहले अपने पाँव का मसाज करें। मसाज के लिए ये है कि आपको बाज़ार से आसानी से रोगन गुल मिल जाता है, उसके साथ अगर अपने दोनों पाँव का मसाज किया जाए तो उससे ये होता है कि दिन भर की थकावट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पुरसकून नींद हासिल की जा सकती है। ये बात मेडिकली भी साबित है कि बॉडी मसाज और ख़ास तौर पर पाँव का मसाज करने से बहुत सुकून हासिल होता है, क्योंकि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स का ताल्लुक जो है वो पाँव से भी होता है। तो हम पाँव के मुख्तलिफ हिस्सों का एक स्पेसिफिक तरीके से मसाज करें तो रात को हमें पुरसकून नींद हासिल हो सकती है। पाँव का मसाज करने का ये फ़ायदा होता है कि दिन भर की थकावट जो है वो दूर हो जाती है और फिर इंसान पुरसकून नींद ले सकता है। छठी अहम बात और इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि हम रात को सोने से पहले ज़्यादा ना खाएं। मतलब सोने से कम खाना खाएं। उससे ये होता है कि अगर हम ज़्यादा पेट भर के खा लेंगे तो वो हमारे मेदे पर भी असर करेगा और मेदे पर बोझ बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम पुरसकून नींद नहीं ले सकेंगे। दूसरी अहम बात ये है कि रात को सोने से पहले फास्ट फूड या जंक फूड का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि रात को कम से कम खाया जाए। जब हम कम खाएँगे और हमारे मेदे पर बोझ नहीं पड़ेगा तो फिर हम पुरसकून नहीं ले सकेंगे। इसी तरह से सातवां अहम पॉइंट है वो ये है कि अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए कि आप सोते वक्त किस पोजीशन में सोते हैं। बाज़ लोग उल्टा सोते हैं, आड़े तिरछे सो रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी हमारे सोने में खलल डालती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाएं करवट सोया करते थे। आप दाएं करवट सोते थे और अपना दायां हाथ जो है वो सर के नीचे रख कर सोया करते थे। इस तरह से सोने का ये फ़ायदा होता है कि हार्ट अटैक का भी चांस बहुत कम ना होने के बराबर होता है। तो सोने से पहले अपनी पोजिशन का भी आप ख्याल रखें। आठवां पॉइंट या आठवें अहम बात वो ये है कि वर्जिश करना दिन में या रात के वक्त। आप थोड़ी देर कुछ एक्सरसाइज या वर्जिश कर लिया करें तो ये भी हमारे लिए मुफीद साबित होगी, क्योंकि जब हम वर्जिश करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा जिस्म थक जाता है। उस थकावट को दूर करने के लिए पुरसकून नींद लेते हैं, हमें अच्छी नींद आती हो ताकि हमारा जिस्म रिपेयर हो सके और नेक्स्ट डे अगले काम करने के लिए वो बिल्कुल तरोताज़ा या फ्रेश हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि रात को सोने से पहले या दिन में किसी वक्त आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। ये हमारी अच्छी और पुरसकून नींद के लिए
बहुत मॉर्निंग साबित होंगी। 9 AM पॉइंट वो ये है कि रात को सोने से पहले हमें इशा की नमाज अदा करनी चाहिए। उससे ये होता है कि हम इशा की नमाज अदा करेंगे, कुछ अजकार करेंगे, अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तो हमें उससे भी बहुत अच्छी और पुरसकून नींद आएगी। वैसे भी ये साइंटिफिक तौर पर ये इस बात साबित है कि रात को सोने से पहले अगर हम कोई भी किताब पढ़ लें या कुरान पाक की तिलावत करें, तो जैसे ही हम ये पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही हमें सुकून से नींद आना शुरू हो जाती है। 10वां और अहम पॉइंट वो ये है कि कुछ लोगों को तन्हाई में नींद नहीं आती, यानी कुछ लोग अकेले में सोने से डरते हैं। तो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास या आपके करीब में कोई और आपके घर का फ़र्द जो है वो सो रहा हो, तो आपको डर और कोई खौफ भी नहीं रहेगा और आप पुरसकून नींद ले सकेंगे। यानी कुछ लोगों को अकेले सोने में कुछ हिचकिटाहट महसूस होती है और वो पुरसकून नींद नहीं ले सकते। तो अगर मैंने आपको आज मुख्तलिफ 10 जो है वो अहम पॉइंट बताए हैं जिन पर अमल करके आप अच्छी क्वालिटी की नींद हासिल कर सकेंगे। हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।